कलाबा डांस माइया रुक रुक के सानू देख रही हैं पता नहीं की कर रहा है कैमरे वाले ने दे दिया माइया अस्सलाम वालेकुम किदा हाल है भाई ठीक ठाक हो सारे अज का व्लॉग शुरू करते हैं अज असी इंडियन होटल जिहड़ा सी इन्हूं छोड़ रहे हैं तो अगे निकल रहे हैं इतों अवासा जिहदी टिकटां असी कल बुक करवाईयां सी ते एक दिन बाद ही सानूं गड्डी दी टिकट मिली सी अज 11 बजे इतों निकलना सी असी 10 बज गया होया तो जाने हुण बस अड्डे ते देखदे हां की बनदा तकरीबन 5 तों 6 घंटे का सफर अवासा दा उस तों बाद असी अरबा विच जावांगे उत्थों 4 तों 5 घंटे का सफर वह भी आ ए होटल से जिथे असी दो रातां गुजारियां बड़ा अच्छा हमला भी बड़ा अच्छा सी इंडियन लोग सी इंडियन खाने सी खाने भी मज़े दे सी ते अच्छा एक्सपीरियंस रहा इत्थे साडा बाकी इत्थों अज असी जा रहे हैं अगले शहर उत्थे जो होएगा वी तुहानू दिखावांगे एक होर चीज़ के इत्थे असी देखिया किसी भी जगह तो सानू पखे नज़र नहीं आए छत वाले किते लगे हुंदे आ ना इत्थे बिल्कुल नहीं है ना पखा वा ना एसी है ना मस्जिदां दे विच ना होटलों के ना किसी अगर पिछले दुकाना च रूम किसी भी जगह सू नज़र नहीं आए इतों अंदाजा साडा यही है कि इस जगह पर ना बारिशा रहनिया सदा मौसम इको जहा ही है तो फसलों वगैरह तो असं इतने बिल्कुल नहीं देखिया हाँ जी उन्होंने दसे हुए बस स्टैंड पहुँच गए हाँ तो पर इतने सूँ बड़ी सारी कन्फ्यूजन ये आ कि इतने दो टाइम चल रहे एक इंटरनेशनल टाइम तो एक इथोपियन टाइम हूँ सूँ ये नहीं समझ आ रही इथोपियन टाइम कि एक इंटरनेशनल टाइम इथोपियन टाइम तकरीबन जोड़ा है वह 10 बज के कुछ मिनट हो गए हुए हैं दूसरा इंटरनेशनल 5 बज गए 5 पूरे हुए तकरीबन हूँ सूँ टिकटा दीतिया उन्होंने दोवें गल्ला कीतियां जी हूँ सूँ कोई समझ नहीं आ रही जो उन्होंने सूँ 5 बजे का किया या 11 बजे का हूँ 11 मतलब इथोपियन टाइम का किया सी या दूसरे टाइम का हूँ देखते हैं बस सूँ मिलती कि नहीं मिलती कोचा कोचा तो लगिया हुई बाकी हम देखते हैं भी साड़ी बस है कि नहीं है चने रौला पाया नाल ही अच्छा छोटे छोटे कप देखो कॉफी वास्ते बस स्टैंड से आ रहे हुए टाइम इतने जरा बैठे मैनेजर टाइप पता नहीं मैनेजर ही होगा शायद साढ़े उत्तर मैनेजर ही कहते हैं मैनेजर तो इन्होंने पूछा वा तो जल्दी बजे आने वाली है बस 11:30 बजे इतने आए बैठे इंतजार कर रहे हैं 10:30 का टाइम आया कि बैठे बैग वगैरह उतार लाया है ना एक छोटा जहा समझ ढाबा बनाया हुआ और सामने नज़र आ रही इन्होंने तो काफ़ी तो ब्रैड श्रैड इतनी चीज़ा ना इतने लोग आते इस तरीके छोटे छोटे कप काफ़ी आए वे काफ़ी फेमस पारी काफ़ी इतने काफ़ी की पैदावार होंगी है बहुत ज़्यादा लोग काफ़ी पीते बहुत ज़्यादा लोग असं तो नहीं पी के देखे कड़वी कड़वा जहा जायका सूँ आ रहा वैसे मैं बाकी पी के नहीं असं रोटियां पक रही हैं जनाब वो तरी खैर शराब वाली बोतल जी ओद ही बेली जा रहा बच्चे छोटे छोटे नाल दिल्ली जा रहा पुठी सीधी जिदा भी है कोई गोल करने वाला चक्कर नहीं मत होने
थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे ना वीडियो बनाने आए, वीडियो शूट करने, यूट्यूबर है, चैनल है, हाँ चैनल है हमारा पकने। ये बंदा दुबई रहा है 3 साल, इसको उर्दू आती है सारी। इंडियन लोग किस काम कर रहा है दुबई में? आप कौन सा काम करते हैं दुबई में? इधर मजदूरी का काम, मजदूरी का काम लगाने का। अब कितने देर होगी ये वापस आए? 4-5 साल होगी। शादीशुदा हो? हाँ, 2 बच्चे हैं हमारे। वाह, 2 बच्चे हैं भाई। इधर टैक्सी चला रहा है। वो टैक्सी कौन सी टैक्सी? टैक्सी ड्राइवर है। सही है, सही। देख लो भाई, इतने भी सानू लग गया आज एक बोलने वाला। भाई उन्हें दस रहे हैं कि इतने बड़ा एहतियात ना ले, ये सारे चोर है करना तो भी हम सारे चोर हैं। बताओ किस तरह बहुत चोर है, बहुत चोरी करते हैं इस। तो भाई जी बात नहीं, वो जो एरिया है जहाँ हम जा रहे हैं वो सेफ है या नहीं? नहीं, उधर भी बहुत चोर जो आसान है। बहुत खतरनाक लोग हैं उधर। रात में ज्यादा देर बाहर ना निकलना। होटल वगैरह मिल जाएगा? नहीं, हम वहाँ से ना कोई लेंगे साथ, टूर गाइड लेंगे जो हमारे साथ गाइड करता रहेगा ना साथ ही हम विजिट करेंगे। वैसे तो हमें खुद भी डर लगता है। हम पाकिस्तानी, पहले पाकिस्तानी हैं जो हम यहाँ पे आए हैं ब्लॉग बनाने के लिए। पहले कोई भी नहीं आया खुद का। वीज़ा बनता है? अभी बुला है, अभी भी बुला है। हमने वो जब अप्लाई किया, तीसरे दिन हमारा वीज़ा लग गया। पाकिस्तानी 3 दिन बाद हमें वीज़ा मिल गया, हमने टिकट करवाई और अल्लाह अल्लाह करके बस आई है साढ़ी 11 बजे का टाइम दिता सी, हूँ तकरीबन 12:30 हो गए। इदा का टाइम टेबल आ, इतने हिसाब ला लो। असं उन्होंने पूछा इतने जो लोग बैठे थे, कहते भाई इतने इदा ही है, इतने 2-3 घंटे लेट चल रहा है, रूटीन है बस साड़ी। आवासा शहर जावे तो उतों अगे अड्डे तो जा रहे हैं वापस। बस आई तो उन्होंने सानू बिठाया नहीं, कहते थोड़ी बस ही नहीं है, टिकट नहीं है सही। तो सर एक बंद ने भेजा मुंडिया कि तुम जितों टिकट ले उ जाओ दोबारा, उन्होंने कन्फर्म करो। पता नहीं, सानू तो लगता फ्रॉड होया। $680 की टिकट सी, तो गड्डी जड़ी वो निकल गई। अगर गड्डी निकल गई तो सानू फिर आज जो उम्मीद है फिर गड्डी नहीं लभी, कल नहीं लभेगी। बड़ा ही अब्बा यार इतने, तो जिदों भी टिकट लो भी एहतियात ना ही लो। असी अपने वालों फुल एहतियात की, जाके ऑफिस चो डायरेक्ट खुद ली, कोई एजेंट नहीं पाया बिच। तो साढ़े नाल होया इतने धोखा जहा ही, तो टिकटा जड़िया बुक की उन्होंने असं आने के उन्होंने सिर हो गए, असं वीडियो वगैरह बनाई जो तो बुक की उदों भी, तो वो बंदे दियाँ भी, तो वो हूँ मजबूर सी, हम सानू गड्डी करवा के दी है। हम गड्डी का भी असं बायोडाटा वगैरह सारा अपने तौर पर सेंड करना वा, अपने दोस्त पीछे सेंड कर रहे हैं। इतने का भी एक लड़का दोस्त है वा, उन्होंने भी सेंड कर रहे हैं तस्वीर भी, तो गड्डी का नंबर भी, ID कार्ड वगैरह भी सारा कुछ लैके, ठीक है, ताकि जरा सा अगर कोई वादा घाटा करते हैं तो फिर पिछों वाली वार्स बन जाए। ताकि बहुत बहुत ज़्यादा एहतियात की जरूरत है इतने। ये गाड़ी आई है इस बाबा तो निकले सी, तकरीबन 2 घंटे हो गए आवासा वाली साइड, तो टिकट नाल तो साढ़ा हाथ हो गया सी, मतलब जी बस से जाना सी उन्होंने गलत बस की टिकट दे दी सी अड्डे वाले ने, तो खैर अड्डे वाले ने सानू गड्डी करवा के दी। हम ये जा रहे हैं, तो रस्ते दे विच जिहड़ा एग्रीकल्चर लैंड भी इन्हां दा है, तो जमींदारा वगैरह करते वह भी नज़र आ रहा है, तो सारा कुछ बोलदा नाल ही कर रहा है, तुहानू दिखावांगे। होटल में तो उदा ही इहदा पाकिस्तान दीआं बाकी साइडां ते ग्रीनरी इन्नी का, इतनी ग्रीनरी है, इतना प्यारा व्यूज आना की दसी, मौसम इत्थे इवें रहिंदा जिवें दा नज़र आ रहा। थोड़ा जहा फ्रॉड होंदा होंदा असीं बच गए, फिर सानू गड्डी करवा के दी गई। तुहानू अगे डिटेल देंगे जाके सारी भी की होया सी साडे नाल। टिकटां असीं बस दीआं करवाईआं सी, पर बस ते साडे नाल की मसला बणिआ बाद चो उन्होंने अड्डे वाले ने सूँ गई दी है। होटल तो लथे हैं तो ए मार्केट है,
ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਆ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਦਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਪਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਲਓ ਓਏ ओके ओके नोच हाथ मार दे परे 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 दुआने ऐ दुआने हैं तरबूज ही आते बाकी अल्लाह ही बेहतर जाने ए पाकिस्तान जिंदाबाद हाँ जी पता नहीं क्या व्हाट इज दिस मुझे नहीं बोलना आता लकड़ी मंडी है रेड़े देखो उन्होंने ਹਵਾਸਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੜੀਸ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਹਵਾਸਾ ਰੋਡ ਰੇੜੇ ਚੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇੜੇ ਚੱਕ मार्केट देख लो इतनी खलकत ਇਹ ਹਜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਅੱਛਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਰਿਕਸ਼ੇ ਇਸ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੜੀਸ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਵਾਸਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਭਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਪਰ ਲਾਲਪੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੇਲੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੜੀਸ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਟੈਮੋ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੁਬਹਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇਲੇ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੇਲੇ ਲੈ ਲਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ